बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2006 द्वितीय प्रश्न पत्र खंड आ जो अभिक्षमता परीक्षण से संबंधित है और खंड बा आपका रहेगा सब्जेक्ट से संबंधित। बीएड 2006 का ये एंट्रेंस एग्जाम में जो पेपर हुआ था उसी को हल किया जाएगा और ये आंसर की आपका बीएड द्वारा ही जारी किया गया आंसर की है। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि हम उसको सही कर सकें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको बेस्ट नोटिफिकेशन यानी कि बीएड से संबंधित सभी नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। एक से पांच तक में एक अनुक्रम दिया गया जिसमें एक पद लुप्त है, चार दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को परा करे। तो क्वेश्चन नंबर एक है बी डी एफ आई एल पी, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन राइट यानी कि टी। क्वेश्चन नंबर टू का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर तीन ए सी बी ई सी जी डी यानी क्वेश्चन मार्क लगा है फिर इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर चार वन प्लस थ्री सिक्स प्लस थ्री तेरह प्लस थ्री बाईस प्लस थ्री क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या हो जाएगा चार में राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर पाँच प्रश्न आकृति दिया है तो खाली स्थान पे कौन सा इसका पूरा करेगा क्रम, तो पाँच का राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पे बी यानी कि ये वाला क्रम पूरा करेगा। क्वेश्चन नंबर पाँच का क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर छः से सात तक में निम्नलिखित पदों का सार्थक क्रम लगाइए, तो इसमें सार्थक क्रम क्या लगेगा, छः का पी लगेगा, पहले मिट्टी फिर पौधा फिर कपास फिर धागा फिर कपड़ा चिथड़ा, तो यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा तीन छः दो एक चार पाँच, यानी कि ये ऑप्शन राइट है इसमें बी। सात वाले में भी यही क्रम लगाना है तो सात वाले का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, यानी कि पहले क्या आ जाएगा छः वाला आएगा यानी कि बीज फिर बोना फिर उर्वरक फिर कपास फिर धागा फिर कपड़ा बनेगा। क्वेश्चन नंबर आठ अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा होने में मदद मिलेगी, तो यानी आठवां का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ए सी ए डी ई। निम्नलिखित प्रश्नों के एक श्रृंखला में समीपवर्ती वर्णों के बीच कुछ वर्ण छूट गए, प्रत्येक बार एक वर्ण कम होता है, निम्नलिखित श्रृंखला में किसमें उपर्युक्त नियम का पालन किया गया है, क्वेश्चन नंबर नाइन का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, नाइन का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दस है एक खास पद्धति के आधार पर कुछ समीकरण हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए, तो दस का सही ऑप्शन हो जाएगा एक में दिया है तो अट्ठाईस हो जाएगा, जैसे एक दिया ए बराबर पचासी फिर ब्रेकट में बीस फिर पाँच फिर सी बराबर एक सौ पचहत्तर फिर उसमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है ब्रेकट में फिर सात फिर दूसरा लेम दिया था बी बराबर एक सौ छब्बीस ब्रेकट में चौबीस छः, तो इसमें कौन सा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर ग्यारह निम्नलिखित प्रश्न में आपको निम्नलिखित प्रतीकों के अनुसार दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनना है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ बराबर हो, बराबर का अर्थ प्लस हो, भाग का अर्थ छोटा वाला हो, तो गुणे का अर्थ बड़ा हो, तो आप निम्नलिखित समस्या को कैसे हल करेंगे, आठ प्लस चार माइनस क्वेश्चन मार्क दिया है तो ग्यारह का हो जाएगा ए चार। निम्न प्रश्न यानी बासठ में कुछ प्रतीक अक्षरों द्वारा दर्शाए गए हैं, बी को प्लस से माइनस को जी से गुणा को ई से भाग को सी से बराबर को डी से छोटा को ए से बड़ा को एफ से, तो इसमें चार विकल्पों में से विकल्प का सही चुनना है, तो बारह का हो जाएगा विकल्प राइट डी, पंद्रह सी फिर फाइव एफ एट सी फोर बी सिक्स सी फिर थ्री यानी डी ऑप्शन बारह के लिए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तेरह है जेड से ए तक की वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का मान क्रमशः एक से छब्बीस तक दिया गया, निम्नलिखित पद का कुल मान क्या है, क्वेश्चन नंबर तेरह का डी एक सौ छिहत्तर है जो दिया गया है यहाँ पे जोड़ने पे एक से छब्बीस तक का सी ओ एन एस ई क्यू यू ई एन सी ई इसका एक सौ छिहत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर चौदह है यदि ए बराबर एक और लेट बराबर अड़तीस यानी एल ए टी ई और तो रिजल्ट यानी रिवोल्ट यानी आर ई बी यू टी क्या है,
रिबूट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 14 का जो आंसर राइट हो जाएगा वो बी। जिस प्रकार ए बराबर 1 होता है उसी प्रकार एल ए टी बराबर 12 प्लस 1 प्लस 20 बराबर प्लस 5 बराबर 38 हो जाएगा। उसी प्रकार जो है आर ई बी यू टी यानी 18 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 21 प्लस 20 बराबर 66। क्वेश्चन नंबर 15 है। नीचे दिए गए वर्णमाला एक विशेष ढंग से संकेतों में व्यक्त की गई है, तो 15 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, डी। यहाँ पे जो दिया है आर टी एस यू बी ए बी सी डी ई, तो आर के नीचे 8 है, फिर 5 है, एस के नीचे 2 है, जो यू के नीचे 0 है, तो यहाँ के अनुसार से बन जाएगा आपका इस क्रम के 53 16 02 का टी डी सी वी यू एस, यानी कि इसका ये सही हो जाएगा 15 का राइट ऑप्शन डी इसके अनुसार। किसी नियम के आधार पर कुछ समीकरणों का हल किया जाता है, उसी नियम के आधार पर छूटी हुई संख्या बताइए, तो 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ दिया क्या है, 1 कोष्टक में 3, फिर 4 बराबर 10, फिर 3 कोष्टक में 4, 6 बराबर 26, फिर 4 कोष्टक में 5, 7 बराबर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, इसी का बताना है, तो 16 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी यानी 38। और लगाना कैसे है, जैसे 1 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 2 बराबर 10 तथा 3 गुणे 6 प्लस 4 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 26। तो उसी हिसाब से 4 गुणे 7 प्लस 5 गुणे 2 बराबर 38, यानी 4 गुणे 7 प्लस 5 गुणे 2 बराबर 38 आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17, राम का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर हो और 90 अंश दक्षिणावर्त घूमता है, उसके बाद वह 180 अंश वामावर्त घूमता है और उसके बाद उसी दिशा में 90 अंश घूमता है, यह बताइए कि उसका चेहरा किस दिशा की ओर है, तो 17 का हो जाएगा डी, दक्षिणी पूर्व की ओर है। क्वेश्चन नंबर 18 है। ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, यफ ए का पुत्र, तो बताइए बी का यफ के बीच के बच्चे से क्या संबंध है। 18 का डी दादा, यानी कि डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 19, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो इसमें करना क्या है, उपयुक्त माला वर्णमाला से वो अक्षर चुनिए जो जी और क्यू के ठीक मध्य में आता है, तो 19 का हो जाएगा सी। एक पंक्ति में 5 घर हैं, ए बी सी डी ओ हैं, ए बी के दाएं और सी के बाएं, ओ ए के दाएं और बी डी के दाएं, यह बताइए कि कौन सा घर मध्य में है, तो 20 का हो जाएगा बी। 15 से 160 के मध्य कितनी संख्या ऐसी है जो 17 से विभाज्य है लेकिन 4 से नहीं, तो 21 का हो जाएगा सी। पिछले वर्ष राम की आयु किसी संख्या के वर्ग के बराबर थी और अगले वर्ष वह एक संख्या के घन की बराबर होगी, उसकी आयु दोबारा किसी संख्या के घन के बराबर हो तो उसके लिए उसे कितने समय और प्रतीक्षा करना पड़ेगा, तो 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। बाईस का राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। एक स्थिति में ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, इसी स्थिति के अनुसार 16 वर्ष बाद ए की आयु उसके वर्तमान आयु से 3 गुनी अधिक हो जाएगी, बी का उसके वर्तमान आयु से 5 गुनी अधिक हो जाएगी, ये बताइए कि शुरू के निर्दिष्ट स्थिति से 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु क्या थी, तो 23 का हो जाएगा सी। 6 और 8 सॉरी 6 और 2, 23 का सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 24 है। लक्ष्मण 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ गया 10 किलोमीटर चला, इसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ा 5 किलोमीटर चला, अंत में वह पूर्व की ओर मुड़ गया 10 किलोमीटर चला, यह बताइए कि अब वह अपने घर से किस दिशा में है, तो 24 का सी है यानी उत्तर दिशा में है वो। तो 22 में कौन सही होगा, 22 में हो जाएगा सी इस हिसाब से।
में आपका हो गया सी और 24 में भी आपका हो गया सी यानी उत्तर। तो आइए आप देखें 25 में कितने बत्तखे कम से कम संख्या में एक फॉर्मेशन बनाकर तैर सकते हैं, यदि एक बत्तख के आगे दो बत्तख हो, एक बत्तख के पीछे दो बत्तख हो और दो बत्तख के बीच में एक बत्तख हो। तो 25 का राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए है? डी 3। टेलीफोन के डायल में दिए गए सभी अंकों का गुणनफल क्या है? 26 का बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई दोनों को 20% बढ़ा दी जाए तो वर्धित क्षेत्र का प्रतिशत क्या होगा? 27 का सी। पांच व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक अखबार पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार दे देता है, जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था उसने वहां ए से लिया था, ई अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं है, बी ए के बीच दो पाठक थे, उस व्यक्ति को ज्ञात कीजिए कि जिसने सबसे अंत में अखबार पढ़ा। तो 28 का डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, सोनू अटेंडर से लंबा है, अमित सोनू से लंबा है, सुभाष अमित से लंबा है, सत्तू सबसे लंबा है, यदि वे कद के अनुसार खड़े हों तो मध्य में कौन होगा? 29 का डी। क्वेश्चन नंबर 29 का डी। क्वेश्चन नंबर 28 में भी डी था। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि परसों मंगलवार था तो अगले कल के बाद का दिन क्या होगा? 30 का हो जाएगा डी, शनिवार। क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा तो कल से 4 दिन पहले क्या था? तो 31 का सी, सोमवार। क्वेश्चन 32 है, यदि 50 आदमी 40 वीवरों को होश को 30 दिन में खोते हैं तो 25 आदमी 20 वीवर को कितने दिनों में खोदेंगे? तो 32 का डी, 45 दिन। ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, ये बताइए कि डी ए से क्या रिश्ता है? तो 33 का सी यानी भाई का रिश्ता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक घड़ी आधी रात से पहले घंटे के अंत में 5 मिनट, दूसरे घंटे के अंत में 10 मिनट, तीसरे घंटे के अंत में 15 मिनट और इसी प्रकार लेट होती जाती है, बताइए कि 6 घंटे बाद घड़ी में क्या बजा होगा? तो 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 5:30। 34 का बी। क्वेश्चन नंबर 35, नीचे दिए गए एक वक्तव्य दिया गया है जिसके आगे 4 अनुमान दिए गए हैं, आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथन में कौन सा अनुमान सही निहित है। तो गरीब अवैज्ञानिक योजना की देन है, तो इसमें कौन सा वक्तव्य सही होगा? 35 का डी वाला सही होगा, वैज्ञानिक योजना द्वारा गरीबी का उन्मूलन किया जा सकता है, कथन है इसका यही कारण है। नीचे दिए गए कथन है जिसमें दो आगे निष्कर्ष हैं, एक और दो निकाले गए हैं, आपको यह ज्ञात करना है कि निष्कर्ष में कौन सा कथन निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। तो 36 का निष्कर्ष कथन है, तनाव शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, निष्कर्ष इसमें निकालना है। तो 36 का निष्कर्ष क्या निकलेगा? डी, एक और दो दोनों निकलते हैं, यानी स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को तनाव मुक्त होना चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति द्वारा ही अनुभव किए गए तनाव पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, उत्तम विज्ञान शिक्षा से धर्म का प्रभुत्व अस्थायी रूप से नष्ट हो जाता है, निम्नलिखित में कौन सा निष्कर्ष सही है? तो 37 का सी, शिक्षा विज्ञान और धर्म के प्रभुत्व के बीच सीधा संबंध है, 37 का सी, उत्तम विज्ञान शिक्षा से धर्म का प्रभुत्व अस्थायी रूप से नष्ट हो जाता है, तो निष्कर्ष यही होगा, विज्ञान शिक्षा धर्म के प्रभुत्व के बीच सीधा संबंध है। नीचे दिए गए कथन के दो निष्कर्ष, एक और दो दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा सही होगा? तो 38 का यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी कथन ने प्रत्येक समाज मानव प्रेमियों ने मानवचित सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए तथा जरूरतमंद लोगों को उत्साहपूर्वक सहायता करके मानव कल्याण के लिए योगदान किया है, तो इसका निष्कर्ष हो जाएगा 38 का सी वाला, कि ना तो एक और ना ही दो कथन नहीं थे, यानी दोनों नहीं है, धनी लोग मानव प्रेमी होते, गरीब लोग मानव प्रेमी ग्रुप में काम नहीं करते, दोनों ही कथन गलत। 39 से 41 तक दिए गए विकल्प में से लुप्त अंक खोजना है, तो 39 में लुप्त अंक हो जाएगा ए यानी 81। 39 का लुप्त अंक क्या हो जाएगा? ए यानी 81 लुप्त है यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 40, लुप्त अंक यहाँ से खोजना है, तो 40 में हो जाएगा सी, यानी 50, यहाँ पे 50 हो गया। क्वेश्चन नंबर 41, 41 में कौन सा आंसर होगा? बी, यानी कि 64। 41 का बी होगा यहाँ पे कितना, 8 हो जाएगा, यानी कि 8 आएगा, 8 बी ऑप्शन राइट। 42 में इसमें से सेट करना है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 42 का? बी ऑप्शन, जिस प्रकार टाइपिस्ट का संबंध टाइपराइटर से होता है उसी प्रकार लेखक संबंध, तो यहाँ का 42 वाला जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ये वाला राइट है, यहीं पे सेट होगा अगला। और 43 का कौन सा सेट हो जाएगा? 42 का जो बी है, तो 43 का सेट होगा यहाँ पे बी वाला ही। और 43 का बी, 44 का कौन सा सेट होगा? सी वाला, यानी ये वाला ही। क्वेश्चन नंबर 45 में कौन सा सेट करना होगा? तो यहाँ पे 45 का राइट ऑप्शन सी जी गलत हो जाएगा, यहाँ पे 45 का सी, 46 का डी। क्वेश्चन नंबर 47 से 50 है कि संबंधित अक्षर शब्द संख्या आकृति को चुनिए, तो टाइपिस्ट और टाइपराइटर, तो लेखक का संबंध कैसे हो जाएगा? बी, पेन से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है सी अपान एल, अनुपात है 24 अपान 27, समानुपात है ई अपान एन, तो यहाँ पे क्या आएगा? 48 में आ जाएगा बी, 56/45। 49 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 49 का हो जाएगा 149/238, समानुपाती 159, तो यह हो जाएगा 248, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 49 का ए। अगला क्वेश्चन है 50, यहाँ पे कौन सा सेट हो जाएगा? तो 50 में हो जाएगा डी या फिर सी या फिर बी, क्या होगा यहाँ पे? तो 50 को जाएगा सी वाला सीट। यहाँ पे कौन सा होगा? सी वाला सेट हो जाएगा, यानी कि ये राइट है, सी राइट, 50 का सी। क्वेश्चन नंबर 51 है, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो 51 में कौन सा व्यवस्थित होगा? 51 का डी, 5 3 1 4 2, पहले 5 फिर 3 फिर 2, 5 3 फिर 1 फिर जाकर के 4 फिर 2, यानी कि पहले 5वां फिर तीसरा फिर पहला फिर चौथा तक 2, राइट ऑप्शन 51 का डी। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? तो 52 का सार्थक क्रम दर्शाता है सी, शिशु बालक किशोर प्रौढ़ और वृद्ध। 53 है लुप्त श्रेणी ज्ञात कीजिए, ए बी सी एफ जी एच एल एम एन के बाद क्या आएगा? यहाँ पे लुप्त श्रेणी में 53 का आएगा सी, एस टी यू। क्वेश्चन नंबर 54 को यह है, दी गई श्रृंखला में खाली स्थान में कौन सा क्रम होगा? तो खाली स्थान पे भरना होगा 54 का ए, ए सी ई, 54 का ए भरना है। 55 से 56 में लुप्त श्रेणी ज्ञात करना है, तो 55 में कौन हो जाएगा? 5760, 960, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे भरा जाएगा 55 का बी, 192 आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 56, 3 15 35 63 के बाद लुप्त संख्या ज्ञात करना है, सी आएगा यहाँ पे 99,
वह संख्या बताइए जो समान गुण न होने के कारण उक्त समूह से संबंधित नहीं है। 169, 279, 361, 442, 484, 729। तो यहाँ पे 57 का भी, ये 442 संबंधित नहीं है, 57 का भी किसी संख्या का यह वर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58। बी से ए बड़ा है परंतु सी से छोटा है, ई से डी छोटा है परंतु ए से बड़ा है। यदि सी आई में डी से छोटा है तो आई में सबसे बड़ा कौन है? तो 58 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। यानी ई वाला ऑप्शन राइट है, 58 का राइट ऑप्शन डी है, 58 का डी। बी का भाई एडी का पिता है, सी बी की माता है, ई ए और डी का भाई है, तो ई का सी से क्या रिश्ता है? आंसर का डी, पत्नी। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द जुड़ी जो निम्नलिखित अक्षरों से नहीं बन सकता, तो 60 का बी नहीं बन सकता, यही सी एच ए आर टी ई आर, इस शब्द से ये शब्द नहीं बन सकता, बाकी सभी तीनों बन सकते हैं। तीनों मतलब ये तीनों बन सकते हैं, ये नहीं बनेगा, यानी बी वाला ही है। यदि ए बराबर 26, सन बराबर 27, तो कैट बराबर क्या होगा? 61 का बी, 57। इकसठ का क्या हो जाएगा? बी, यानी 57। 62, यदि एक कूट भाषा में ओ आर जी ए एन आई एस ए टी आई ओ एन को सी बी डी डब्ल्यू एल क्यू जे डब्ल्यू क्यू आई ओ क्यू सी एल और ओ पी ई आर ए टी आई ओ एन को सी एक्स एफ बी डब्ल्यू वाई क्यू सी एल लिखा जाता है, तो एस सी पी ए आर ए टी आई ओ एन को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो 62 का राइट ऑप्शन है सी वाला, यानी ऐसे ही लिखा जाएगा, जेड एफ एक्स डब्ल्यू बी डब्ल्यू वाई क्यू सी एल। यदि प्लस का अर्थ हो, यदि प्लस का अर्थ हो, माइनस का अर्थ गुणा हो, गुणा का अर्थ भाग हो, तथा भाग का अर्थ प्लस हो, तो 2 भागे 6 गुणे 6 भाग 2 बराबर क्या हो जाएगा? 63 का डी हो जाएगा, 5। 64 से 65 किसी प्रणाली के आधार पर समीकरण हल करने हैं, तो दिए गए उत्तरों में से प्रत्येक प्रश्न को हल न किए गए समीकरण को उत्तर खोजिए जो उन्हें हल किए गए हो। तो 64 का क्या हो जाएगा? 64 का आंसर बी, ए बराबर 11, बी रिकट में 2 42, 121, बी बराबर 14, 392, 196, सी बराबर 13। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 64 का बी। ए बराबर 11, ब्रैकेट में 2 42, 121 अनुपाते, फिर बी बराबर 14, 392 ब्रैकेट में, फिर 196 अनुपाते, सी बराबर 13 ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क, 169। यहाँ पे 64 का राइट ऑप्शन बी, 338। क्वेश्चन नंबर 65 है, 323 गुणे 41 बराबर है 14,323, 137 गुणे 72 बराबर हैं 27,731, 48 गुणे 87 बराबर हैं 7,884, 34 गुणे 75 बराबर क्या होगा? तो 65 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 5,743 की, 5,743 यानी 65 का बी। छाछठ में लुप्त संख्या ढूंढना है, तो छाछठ का लुप्त संख्या है सी, 69। 67 में राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी, लुप्त संख्या के स्थान पे आएगा 1। क्वेश्चन 70, निम्नलिखित रेखाकृति में वृत्त द्वारा ग्रामवासी प्रदर्शित किए गए हैं, त्रिभुज द्वारा शिक्षित लोग और आयत द्वारा रोजगार में लगे लोग, किस अंक द्वारा यह कथन प्रदर्शित किया गया कुछ शिक्षित ग्रामीण रोजगार में लगे हैं? तो यहाँ पे देखने के बाद जो 70 का राइट ऑप्शन होगा बी, 4 के द्वारा। 71 से 72 इन प्रश्नों में एक से कथन या ज्यादा कथन के 4 वैकल्पिक निष्कर्ष दिए गए, इनमें से सबसे उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। यदि किसी नगर में चल रहे वाहनों की संख्या
1992 में 2.3 लाख, 1993 में 2.41 लाख, 1994 में 2.25 लाख, 1995 में 2.36 लाख, और 96 में 2.29 लाख हो, तो आपका निष्कर्ष क्या होगा? तो 71 का सी हो जाएगा, वाहनों की संख्या में परिवर्तन लहरदार है। वाहनों की संख्या में परिवर्तन क्या है? लहरदार है। क्वेश्चन 72 है, जब पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होती है तो चार पहिए वाले वाहनों की बिक्री में कम हो जाती है, तो इसका हो जाएगा ए, कारों की बिक्री बढ़ गई है। जब पेट्रोल कीमत वृद्धि होती है तो चार पहिए वाले वाहनों की बिक्री कम हो जाती है, तो 72 में क्या होगा कि पेट्रोल, क्वेश्चन इसका क्या है, तो इसमें सबसे उपयुक्त चयन करना है, जब पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होती है तो चार पहिए वाले वाहनों की बिक्री कम हो जाती है, फिर दूसरा कह रहा है कारों की बिक्री बढ़ गई है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि पेट्रोल की कीमत कम हो गई है। देखो, जब पेट्रोल कीमत बढ़ती है तो बिकना कम हो जाता है, जब कार की बिक्री बढ़ रही तो मतलब पेट्रोल की कीमत क्या हो गई है, कम हो गए। 73 से 89 तक का जो है अक्षर शब्द अक्षर संख्या ज्ञात करना है, गुप्तचर का मुखबिर और संवाददाता का क्या हो जाएगा? तो 73 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सूत्र, संवाददाता का सूत्र। विशुद्ध का प्रमाणित तो मिल के तीसरा का क्या हो जाएगा? तो 74 का राइट ऑप्शन ए यानी भ्रम। 75 है, गड़गड़ाहट का वर्षा है तो रात्रि का क्या हो जाएगा? डी, गड़गड़ाहट वर्षा का है तो 75 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा यानी शाम। 75 का डी, जिस प्रकार गड़गड़ाहट के बाद वर्षा होती है उसी बात शाम के बाद क्या होगा? रात होगा यानी कि डी। 76 है, 18 30 फिर 36, तो इसमें क्या आएगा? बी। अट्ठारह अनुपात 30, समान अनुपात 36 बराबर बी आएगा, या फिर 66 76 का ऑप्शन बी। 0.16 अनुपात 0.0016 समान अनुपात 1.02, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क में? 77 का सी। 78 ए सी ई जी अनुपात एन पी आर टी समान अनुपात ए डी जी जी जी, तो इसमें क्या हो जाएगा? 78 का डी, सॉरी 78 का डी, 78 का डी हो जाएगा। यहाँ पे 79 का क्या हो जाएगा? एफ एच ई जी अनुपात जे एल आई के पी आर यू ओ क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा 89 का ए। 80 से 85 के दिए गए विकल्पों में से 38 शब्द अक्षर का संख्या का चयन करना है, तो 80 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, 80 का सी। 81 है, इसमें जो है क्या बताया गया है सी वाले में कि अन्य सभी शब्द में 2 स्वर आए हैं जबकि यस एच वाई में एक भी स्वर नहीं है। 81 वाले में क्या होगा कि अन्य वैज्ञानिक यंत्र हैं जबकि रोगाणु माइक्रोवेव सूक्ष्म यंत्र है, रोगाणु यानी ये यहाँ लग रहा है। फिर 82 में है सी वाला कि सभी कला वर्ग संबंधित जबकि तंत्रिका विज्ञान चिकित्सा से संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर 83 है आपका पी वाला ऑप्शन राइट है क्योंकि बी में ये क्या है अलग है, सब में +5 +5 +5 हुआ है, +5 हुआ है, लेकिन सी एच एन आर में देखिए एक बार +5 फिर एक बार +6 फिर +4 हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 84 में ए वाला अलग है, क्वेश्चन नंबर 85 में सी वाला क्या है अलग है। क्वेश्चन नंबर 86, अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं, राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है, रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है लेकिन योगेश के सिक्के से हल्का है, रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है, तो सबसे मूल्यवान सिक्का किसके पास है? तो 86 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, योगेश के पास, यानी योगेश नरेश राय रमेश मोहन, सबसे मूल्यवान सिक्का योगेश का है, योगेश का सिक्का सबसे मूल्यवान। बड़े अक्षरों में से एक शब्द दिए गए, इसके पश्चात चार शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं, दिए गए अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द को नहीं बना सकते हैं, उसे ढूंढिए। तो ए डी एम आई एन आई एस टी आर ए टी आई ओ एन में से कौन सा नहीं बन सकता है? तो 87 का सी यानी मिनिस्टर यानी एम आई एन आई एस टी ई आर नहीं बन सकता। क्वेश्चन 88 है, यदि ए बराबर 2 एम बराबर 26 जेड बराबर 1 हो तो बी ई टी का बराबर क्या हो जाएगा? तो 88 का बी यानी 54 हो जाएगा, यहाँ पे 88 का बी।
और क्वेश्चन नंबर 89 है, सोन बिंदु एक्स से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर आगे बिंदु वाई पर पहुंचा, फिर दाहिने ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर दूर बिंदु जेड तक यात्रा करके फिर दाहिने की ओर मुड़ के 7 किलोमीटर दूर बिंदु ए पर पहुंचा, फिर जो दाहिने की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर दूर बी तक पहुंचा, बिंदु बी और बिंदु एक्स के बीच की दूरी कितनी है? तो 89 का ए 1 किलोमीटर। यहाँ पे लुप्त शब्द ढूंढना है, तो 90 का लुप्त शब्द जो है ढूंढे हुआ वो है बी, यानी कि 45। यहाँ पे 45 भरा जाएगा। 91 का लुप्त शब्द क्या है? यहाँ पे सी है, 455। चार सौ पचपन। वह युगल संख्या बताइए जो समान गुण न होने के कारण समूह से संबंधित नहीं है। तो 55 और 62 समूह से संबंधित नहीं है। यदि प्लस का अर्थ है गुणा, गुणा से अभिप्राय भाग देने का है, माइनस का अर्थ है जोड़ना, भाग का से अभिप्राय घटाने, तो निम्नलिखित समीकरण से क्या उत्तर आएगा? 20 - 8 * 4 / 3 + 2 = 93 का सी हो जाएगा, राइट। 16। निम्नलिखित में किसके द्वारा चूना सीमेंट व ईट प्रदर्शित है? तो 94 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे फिगर वाले में 94 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 94 का सी। 95 एक विशेष प्रकार कूट लेखन में जो है CENTRAL को ABCDEFG की तरह लिखा जाता है, शब्द PLANETARIUM को HGFCBDFEIJK की तरह लिखते हैं, इसी कूट लेखन द्वारा हम शब्द LANTERN को कैसे लिखेंगे? तो 95 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी GFCDBEC के रूप में लिखेंगे। उस शब्द को सुनिए जो अन्य से भिन्न है, 96 का हो जाएगा 441, 484, 529, 566, 625 में भिन्न कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा डी, यानी 566 भिन्न हो जाएगा। 97 से 100 तक का शब्द संख्या को चुनना है, वनस्पति विज्ञान पौधे हैं, तो कीट विज्ञान से क्या हो जाएगा? तो 97 का हो जाएगा सी, कीड़े। जिस प्रकार वनस्पति विज्ञान में पौधे का अध्ययन होता है, उसी प्रकार कीट विज्ञान में कीड़े का होता है। क्वेश्चन नंबर 98, पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन है, तो कांग्रेस कहाँ की है? तो 98 का सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। 99 में है AZBY, DWEV, HSIR, HSIR, तो 99 का क्या हो जाएगा सी, KPLO, KPLO। और 100 है कि AKU अनुपाते, फिर क्वेश्चन में कि समान अनुपाते CMW, DNX, तो 100 का हो जाएगा डी, यानी कि BLV, BLV। खंडवा है कला वर्ग से, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड, पहले का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? तो ये बदला गया था तो सन 1912 में। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो कि 1910 से 16 ईस्वी तक थे, इन्हीं के समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई, और 1912 में ही दिल्ली भारत की राजधानी बना, यानी कलकत्ता से दिल्ली आ गया राजधानी। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल बिहार व उड़ीसा की दीवान ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? तो 26 लाख रुपए में। क्वेश्चन नंबर 4, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? आनंद मठ। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INS बनाने में सहायता किया था? पांचवा कवि जनरल मोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? क्वेश्चन नंबर डी है, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 7 है, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनकी प्रसिद्धि मिली? तो 7वां का ए, चंपारण सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का एक गठन समूह के रूप में इनमें से किस संगठन में से हुआ था? 8वां का बी है, कांग्रेस। और अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पाली पहाड़ियाँ मिलती हैं? 9वां का है, अनाईमुडी में।
और भारत में शक्तिशाली एलनिनो के कारण है, दसवां का डी इनमें से कोई नहीं, और विषुवत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है, क्वेश्चन नंबर 11 का डी नामचा बरवा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुंदर वन क्षेत्र में है, तो 12 का डी है सघन मैग्रोव वन। क्वेश्चन नंबर 13 है, हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई, तो 13 के भी गेहूं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, 14 का सी, वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य प्राप्त किया था, कैवल्य, तो ये जमीभ ग्राम में, यानी डी ऑप्शन राइट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 है, मिसिसिपी डेल्टा किसका उदाहरण है, 16 का है बी, अंगुलित या पंजक डेल्टा का। क्वेश्चन नंबर 17 है, बेंगुला जलधारा है, तो 17 का डी, दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जल धारा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में कौन सा निग्रेटो प्रजाति का है, तो 18 का सी, सीमांग। विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है, 19 के ब्राजील में। और जापान में औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा उत्तरदायी नहीं है, 20 का बी, खनिज संसाधनों की बहुलता। और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था, राणा रतन सिंह। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था, 22 का ए, मुख्य न्यायाधीश। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर, यानी 23 का डी, स्वामी विवेकानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी, तो 24 का डी है, 1875 में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, मैडम एच बी ब्लावेटस्की ने किया था। अठारह सौ पचासी ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था, 26 का बी, मुंबई। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था, मेरठ से। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है, 28 का बी, गीता रहस्य। 8 अगस्त 1942 में भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है, 29 का सी, भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कन्नड़ की पुस्तक का नाम है सी, राज तरंगड़ी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 का हो जाएगा, राज तरंगड़ी कन्नड़ की पुस्तक का नाम है। क्वेश्चन नंबर 32 है, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था, तो 32 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, राजगिरी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 है, खिलजी वंश का प्रथम संस्थापक कौन था, 33 का ए है, जलालुद्दीन खिलजी। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था, तो ये चंपारण आंदोलन से, बीएड द्वारा जारी आंसर के द्वारा ही बताया जा रहा है। अगर कोई भी आंसर इसमें गलत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, 1976 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई है, तो क्वेश्चन नंबर 35 का हो जाएगा बी, जगजीवन राम द्वारा। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार दिवस की घोषणा, बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई, 36 का बी, 16 अगस्त 1946। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, 37 का ए है, जेपी कृपलानी। निम्नलिखित में कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है, जनसंख्या वृद्धि इसका नियोजन का उद्देश्य नहीं है। किस इकाई का मूल कागजी स्वर के रूप में जाना जाता है, 39 का सी, एचडीआर। एसडीआर को कागजी स्वर मूल के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में बीमा का नियामक है, 40 का डी, आईआरडीए के अध्यक्ष। राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले है यह युक्ति किसकी है, 41 का बी, अरस्तू जी का। मानव चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है, स्वतंत्रता का संबंध अधिकारों से है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं, यह कथन किसका है, 42 का सी, ग्रीन। राजनीतिक विकास का साधन है, 43 का हो जाएगा डी, इनमें से सभी। और 44 है, फ्रांस की
राज्य क्रांति का स्वरूप क्या था? 44 का ए है, बरजुआ मध्यवर्ग, डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 45 का सी, डेविड मार्स। आज के गरीब धरती के दलित और चौथी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं, ऐसा किसने कहा? ऑस्कर लेविस। आज के गरीब धरती के दलित और चौथी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं, ऑस्कर लेविस का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 47 है, सामाजिक स्थिरीकरण का आधार किसे माना जाता है? 47 का डी, इनमें से सभी को। अपने सामाजिक समूह में से ही जीवन साथी का चुनाव करने का कार्य कहलाता है? 48 का बी, अंतर विवाह। किरा भारतीय समाजशास्त्री का सामाजिक मूल्य का सिद्धांत विश्व भर में प्रसिद्ध है? 49 का सी, डॉक्टर आर के मुखर्जी। जाति राजनीति का कैंसर है, निम्नलिखित में से किसने कहा? 50 का डी, कूली। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है? 51 का डी, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है? 52 का डी, किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं। वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का हिसाब रखता है? 53 का डी है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है? 54 का बी है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का अंग है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? 55 का बी, अनुच्छेद 19। और सिडबी की स्थापना की गई थी तो लघु स्त्री उद्योग को वित्त प्रदान करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है? तो 57 का बी। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन स्वास्थ्य है कहा था? तो 58 का ए, बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? 59 का डी है, उपयुक्त सभी। सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालयों में, जनपद तथा सत्र न्यायालयों में। क्वेश्चन नंबर 61 था, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है? तो यहाँ पे आंसर की में बताया गया 61 का डी, जो कि गलत है, क्योंकि सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। ये जो दिया गया है ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है, यानी 61 का ए होगा, सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित करों में किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि राशि संविधान द्वारा सीमित कर दी जाती है? तो 60 का बी है, संपदा शुल्क, मरणोपरांत संपदा शुल्क द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में कौन सा दबाव समूह का अवबोध कराता है? 61 का सी, नीति संबंधी निर्णयों को नियंत्रित करने हेतु तो प्रभाव डालने वाले समूह। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगा? 62 का सी, अपरिवर्तित रहेगा। निम्नलिखित में कौन सा एक आर्थिक अवस्थापना नहीं है? 63 का सी, कोयले की खाने, यानी कोयले की खाने क्या है? अवस्थापना नहीं है, ये प्राकृतिक होती है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? 64 का सी, उत्पाद शुल्क केंद्र का अधिकतम कर आय स्रोत। 65 है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है? 65 का डी, व्यापार कर विभाजन। क्वेश्चन नंबर 66 है, राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना का लक्ष्य है? तो 66 का ये है, श्रम का पुनः परीक्षण। राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना का लक्ष्य है, 66 का ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान करता है? क्वेश्चन नंबर 67 का डी, सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत में नगद कोष अनुपात में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सत्य है? 68 का बी, यह साख सृजन का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, वर्तमान में रुपये की परिवर्तनशीलता का अर्थ है कि? 69 का सी है, रुपया सभी प्रकार के चालू व्यवहारों के लिए विदेशी मुद्राएं में परिवर्तनीय है। भारतीय संसद बनती है
तो डी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से, यानी तीनों से मिलकर ही बनती है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में कौन किसकी अध्यक्षता ऐसे द्वारा होती है जो इसका सदस्य नहीं होता। किसकी अध्यक्षता एक ऐसे द्वारा होती है जो इसका सदस्य नहीं होता, तो 71 का हो जाएगा सी, राज्यसभा। उपराष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता करते हैं। यह धारणा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है सर्वाधिक दर्शित होता है, तो 72 के सी में राज्य के नीति निदेशक तत्व द्वारा। निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है। बी है राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में किस संसद के दोनों सदनों में बोलने और अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है परंतु वोट देने का नहीं, तो है भारत के अटॉर्नी जनरल, यानी डी ऑप्शन राइट। भारत में किस एक की परिस्थिति अन्य तीनों से भिन्न है। 75 के सी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। एक मार्ग क्या होता है। 76 के डी, गुणवत्ता गारंटी की मुहर। क्वेश्चन नंबर 77 है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है, तो 77 का ए है, आगामी वर्ष के बजट की प्रस्तुतिकरण के पूर्व। आगामी वर्ष के बजट की प्रस्तुतिकरण के पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, सत्यमेव जयते शब्द उपनिषद से लिया गया है, तो मंडूकोप। कहाँ से लिया गया है, मंडूकोपनिषद से लिया गया है। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने की अभी तक एकमात्र उदाहरण है, नीलम संजीव रेड्डी जी चुने गए हैं ऐसे, यानी डी ऑप्शन। गिल्ड आधारित बाजार के मायने क्या होते हैं, तो सराफा बाजार है। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है, तो राजकोषीय घाटे का। भारत में पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार है, 82 का राइट ऑप्शन बी, राष्ट्रीय विकास परिषद को है, राष्ट्रीय विकास परिषद को है, यानी ऑप्शन कौन सा राइट होगा, बी। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है, तो 83 का डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। वैश्वीकरण उदारीकरण निजीकरण के लिए। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है, तो ये वैश्वीकरण उदारीकरण निजीकरण, यानी तीनों में आएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। वाणिज्य प्रपत्र निम्नलिखित में किसके लिए साख का कार्य करता है। 84 का बी, कॉरपोरेट निगम उद्योग के लिए। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में किस कौन सा एक क्षेत्र बचत के लिए सर्वाधिक योगदान करता है। 85 का योगदान करता है डी, यानी घरेलू क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 से एक डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। 86 का सी है, एकांतता का अधिकार, पाउटी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो 87 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, दादा भाई नौरोजी ने लिखा। जौनपुर नगर निम्नलिखित में किसके स्मृति में स्थापित किया गया था। 88 का बी है, मोहम्मद बिन तुगलक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है, तो सी है, 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों के रूपरेखा दी गई उनके आगे की व्याख्या की गई है, तो 90 का सी है, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों में। मूल अधिकार राज्यों के निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों में, 90 का सी। तो यही है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 91, उपनिषद पुस्तक है, तो ये डी है, दर्शन पे, यानी कि किस पे है, दर्शन पे है। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन इकोनॉमिक ड्रेन के विचार को प्रतिपादन किया है, 92 का ए, दादा भाई नौरोजी ने। संगम योजना निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हुई है। 93 का सी है, विकलांगों के विकास से। संगम योजना विकलांगों के विकास से। बारहवीं वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय सरकार के विभाज्य करों में राज्यों का अंश कितना होता है। 94 का डी होता है, 30.30%, 30.5%, 30.5। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है, 95 का डी, लोगों के विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किससे संगठित किया गया है, तो 96 का सी, डी वी डी सावकर जी ने किया था। इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ, 97 का बी, बंगाल के विभाजन विरोध में। भारत की आजादी के समय ब्रिटिश
में निम्नलिखित में कौन सी पार्टी सत्ता में थी? भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो 98 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, लिबरल पार्टी। भारत में अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड साल्ट आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। और निम्नलिखित में किसके नाम पर 1857 के आंदोलन से जुड़ा है, किसका नाम जो है, तो तख्ता टोपी का नाम जो है 1857 के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ये था वीडियो 2006 बीएड का कंप्लीट। वीडियो पसंद आया लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।